मेडिकल माफिया और मेडिकल इंडस्ट्री की चपेट में देश आ चुका है। वो मेडिकल इंडस्ट्री हमेशा ये चाहती है कि जिंदगी भर दवाइयाँ खिलाई जाएं। हमारे पास एलोपैथी के बिगड़े बहुत के सारे केस हैं, किसी का थायराइड ग्लैंड निकल गया, किसी की यूट्रस भी निकाल दी, गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया। वो फार्मा इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती कि आपका बीपी ठीक हो जाए, क्योंकि उसको बीपी की गोली बेचने से फायदा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च की कमी है, रिसर्च नहीं हो पाई है, जिस वजह से लोगों का जो विश्वास है वो थोड़ा कम है आयुर्वेद के ऊपर, क्या कहेंगे इसे? देखिए, मैं बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है रिसर्च की कमी है, आयुर्वेद को दबाया गया है। एक तो हम सुनते हैं मेडिकल साइंस, एक हम सुनते हैं मेडिकल माफिया और मेडिकल इंडस्ट्री। तो एक्चुअल में मेडिकल माफिया और मेडिकल इंडस्ट्री की चपेट में देश आ चुका है। वो मेडिकल इंडस्ट्री हमेशा ये चाहती है कि जिंदगी भर दवाइयाँ खिलाई जाएं। बीपी हो गया, जिंदगी भर गोली खाओ। शुगर हो गया, जिंदगी भर गोली खाओ। थायराइड हो गया, जिंदगी भर गोली खाओ। किडनी फेल हो गया तो बोलते हैं पहले डायलिसिस कराओ, जब बंदा थक जाए तो ट्रांसप्लांट कराओ। तो मैं आज आपके सामने ये बच्चा पेश कर रहा हूँ, 26 साल का लड़का मानिक है, जो दिल्ली का रहने वाला है। इसकी किडनी फेल हो गई थी, डॉक्टर ने इसको ट्रांसप्लांट बताया था बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने, और इसने हमें 5 मई 2021 को संपर्क किया, और आज आपके सामने 1 जुलाई को ये बच्चा आपके सामने है। सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, इसकी वही किडनी काम करना शुरू हो चुकी है, ये वही बच्चा है। बिना डायलिसिस के, बिना एलोपैथिक दवाइयों के इस बच्चे की किडनी रिकवर हुई है। और किस तरह गंभीर मरीज है जो आपके पास आए होंगे, आपने देखा होगा उन्हें जो एलोपैथी से इलाज कर रहे हैं? हमारे पास लीवर फेल, लीवर कैंसर के केस हैं, जिनको ये बोला गया आप सिर्फ 5-7 दिन के मेहमान हैं। वो हमारे हॉस्पिटल में आए, आज वो बिल्कुल अच्छे खासे घूम रहे हैं। हमारे पास एलोपैथी के बिगड़े बहुत के सारे केस हैं, किसी का थायराइड ग्लैंड निकल गया, किसी की यूट्रस भी निकाल दी, गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया, और उसके बाद वो पेशेंट की आवाज़ तक चली गई, और वो पेशेंट हमारे पास आया, उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे वापस आ रही है, और उसके हाथों पैरों की मूवमेंट भी वापस आ रही है। उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो कोमा में चली गई थी, और सिर्फ 5 दिन में अपने आप वो अपने पैरों पर चली। ये आयुर्वेद है, तो हम ऐसे आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। और लोग, हम तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ही बोलेंगे कि लोगों को आयुर्वेद पे भरोसा करना चाहिए, आयुर्वेद में आना चाहिए, और सरकार से भी मैं मांग करूंगा कि आयुर्वेद के अंदर हमारे बिल पास होने चाहिए। जो पेशेंट्स के बिल पास नहीं होते, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलते लोगों को, उसकी वजह से भी लोग आयुर्वेद से दूर जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से डिमांड भी रखता हूं कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए धरातल पर जो जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। लेकिन लोगों की सोच क्या है कि आयुर्वेद को भारत की प्राचीन पद्धति माना जाता है, एलोपैथी से पहले की ये पद्धति है, लेकिन फिर भी लोग इससे इतना दूर क्यों हो गए हैं? जिस हजारों सालों में जिससे इलाज हो रहा था, लेकिन आज जो है उसको विश्वास लोग नहीं करते। उसके पीछे बहुत बड़े संगठन काम करते हैं, मेडिकल माफिया काम करता है, जो जिंदगी भर लोगों को दवाइयों का गुलाम बनाना चाहता है। एक इंडस्ट्री है जिसको रिसेशन का फर्क नहीं पड़ता, जिसको किसी मंदे से फर्क नहीं पड़ता, वो है फार्मा इंडस्ट्री। वो फार्मा इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती कि आपका बीपी ठीक हो जाए, क्योंकि उसको बीपी की गोली बेचने से फायदा है। वो इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती आपकी शुगर ठीक हो जाए, क्योंकि उसको आपको शुगर बनाए रखने में भलाई है। तो ऐसी इंडस्ट्री ही आज भारत पर राज कर रही है, जो आयुर्वेद के डॉक्टरों को एक नहीं होने देती, जो आयुर्वेद के डॉक्टरों में फूट डालती है, आयुर्वेद के संगठन नहीं बनने देती। और ऐसी इंडस्ट्री जब भारत को चलाएगी तो नेचुरली बात है लोग भी एलोपैथी की तरफ जाएंगे, और एलोपैथी में उनको लगता है कि वही डॉक्टर ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, एलोपैथी के डॉक्टर की डिग्री पर लिखा जाता है MBBS, जबकि एक्चुअल डिग्री उनकी BMBS है, और आयुर्वेद डॉक्टर की BAMS है, बैचलर डिग्री है, लेकिन एम लिखकर ये अपने आप को मास्टर शो करते हैं, जिसकी वजह से आयुर्वेद के अंदर लोग नहीं आते, लेट आते हैं, क्योंकि उनको लगता है एलोपैथी का डॉक्टर ज्यादा पढ़ा लिखा है, जबकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और दूसरी बात, 5.5 साल की एलोपैथी डॉक्टर की डिग्री में एक भी चैप्टर नहीं है डाइट का, जबकि लोग उनसे सलाह लेने जाते हैं खाएं पिए क्या, जबकि आयुर्वेद के डॉक्टर के 3.5 साल के अंदर सिर्फ पढ़ाए क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, पथ्य अपथ्य, मौसम के हिसाब से खाना, ये सब आयुर्वेद में है, एलोपैथी में तो एक पेज भी नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आप लोग मीडिया के माध्यम से मेरी एक आवाज को सुनो कि आयुर्वेद के डॉक्टर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं। हमारे साथ मानिक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मानिक, आपकी किडनी फेल हो गई, एक गंभीर बीमारी मानी जाती है, लेकिन आप जो है एलोपैथी की छोड़कर आयुर्वेद में आए, आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं जाना खतरा हो सकता है अगर समय पर इलाज नहीं हो पाया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, यहाँ पे आपको उल्टा मेरी इम्प्रूवमेंट ही हुई। मेरा 6 क्रिटीन था जब मैं आया था यहाँ पे, और GFR 12.5 जिसे एलोपैथी में किडनी फेलियर में माना जाता है। तो जिस जब मैं आया था तब मेरा इतना इतना हालत बेकार थी, वीकनेस रहती थी बॉडी में,
और उसके बाद धीरे धीरे जैसे एक हफ्ते में मेरा क्रिएटिन 1 पॉइंट कम हो गया और GFR भी 2.5% बढ़ गया मेरा और वीकनेस भी खत्म होने लग गई पूरी। तो आपने सोचा कैसे कि मुझे एलोपैथी छोड़कर आधुनिक मेडिकल छोड़कर मुझे आयुर्वेद में जाना चाहिए? एलोपैथी में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं, मतलब वो आपको सीधा सर्जरी के लिए बोल देंगे या ट्रांसप्लांट के लिए बोल देंगे या डायलिसिस पे रहने के लिए बोल देंगे, पर उसके बाद भी आपको अपनी उसका जान का खतरा रहता है कि दूसरी किडनी फेल हो गई, डायलिसिस की ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस पे पेशेंट 5 साल एवरेज 5 साल 5 साल रह सकता है। उसके बाद आप ट्रांसप्लांट करवाते हो तो ट्रांसप्लांट पे भी आपका पता नहीं किडनी मैच करेगी नहीं करेगी, वो मैच कर भी जाती है उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद किडनी फेल हो जाए तो उसका कुछ नहीं पता, रिस्क बहुत है उसमें। और उसके बाद डॉक्टर्स भी कोई वो नहीं देते, अश्योरेंस नहीं देते डॉक्टर्स कि आप 100% ठीक हो जाएंगे, फिर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलनी है। आयुर्वेद में आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी तो उस पर जड़ पे काम करती है वो, उसमें लाइफ टाइम दवाइयाँ चलनी है, ट्रांसप्लांट के बाद भी आप दवाइयाँ खाते रहो, इम्यूनो सप्रेसर्स ये सब वो देते रहते हैं। थैंक यू। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने ला इलाज बता दिया हो या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेरा बसी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें